यहाँ पे आपके लिए डिजिटल लैंटर्न की भी व्यवस्था है, मस्त आपके बैठने के लिए वीआईपी चेयर है, यहाँ पे लो वीआईपी चेयर है। तो नमस्ते भाई और बहनों, अभी मैं आ गया हूँ नेत्रहाट में और मैं हूँ होटल प्रभात विहार के बाहर में, जो कि यहाँ का सबसे फेमस होटल है। यहाँ पे आपको 2000 से लेकर के 6000 तक के कमरे मिल जाएंगे, काफ़ी डिलक्स होते हैं। हालांकि ये सरकारी है बट आपको काफ़ी पैसे चुकाने पड़ते हैं इसके लिए। देखते हैं इसके अंदर में क्या है। और भी दो तीन गेस्ट हाउस हैं, छोटे छोटे हैं और एक बड़ा होटल है। और अतिथि गृह यहाँ पे भी एक होटल है, वो भी काफ़ी अच्छा है। यह होटल सनराइज़, ये होटल है बाहर से, आप कुछ ऑनलाइन वगैरह बुकिंग करनी है तो कर सकते हैं। ये यहाँ का फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, आप खा भी सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसे छोटे हॉल्स या फिर छोटे होटल्स में रहते हैं तो वहाँ के जो ऑनर होते हैं उनको आप बोल देंगे तो वो खाना भी प्रोवाइड करते हैं। दो चार झुग्गी झोपड़ियाँ मिल सकती है और चार पांच होटल्स हैं मेनली यहाँ पे, 1000 से 2000 के बीच में रह सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ऐसे प्रभात विहार में आकर के आप बड़ा डिलक्स रूम ले सकते हैं। फैमिली के साथ आते हैं तो प्रभात विहार आपके लिए सबसे सेफेस्ट है। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पुराना होटल प्रभात विहार, जो कि आपको 1800 से 2000 के रेंट में मिलेगा। इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फिर सरकार ने इस पर ध्यान दिया और उसको एक्सपैंड किया, जिसके बाद एक ब्यूटीफुल चीज़ बनकर आई है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। भी होटल्स में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी सब कुछ है। तो इसके ऊपर में आप देख रहे हो नए प्रभात होटल्स हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये काफ़ी कमाल का है, इसे कहते हैं टेंट हाउस, जो कि बिल्कुल मस्त है एकदम। मैं इसकी एक टूर भी करवा दूंगा, मतलब बाहर में एक बालकनी जैसी होती है जहाँ पे बैठ सकते हैं, सनराइज़ का मज़ा ले सकते हैं। अंदर में उसकी प्रॉपर लॉकिंग होती है जिसमें चेन होते हैं, अंदर से आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा कि टेंट हाउस कैसा होता है और इसकी बुकिंग कैसे होती है। 2100 से 2200 रुपये आपको पड़ेंगे, सीज़न वाइज इसके रेट थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट सरकारी है तो इसकी कोई चांसेस नहीं है। तो अभी हम आते हैं अंदर। सबसे पहले तो ये है, इसको आप ऐसे ऊपर से उठा सकते हैं और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आपके लिए डिजिटल लैंटर्न की भी व्यवस्था है। आप चाहे तो आप इसको ऐसे बांध सकते हैं, यहाँ पे समझ रहे हो ना, आप इसको पूरा बांध करके आप ऐसे ऐसे कर सकते हो इधर से। यहाँ पे मस्त आपके बैठने के लिए एकदम वीआईपी चेयर है और यहाँ पे बैठ कर नाश्ता करने के लिए भी एक लो वीआईपी चेयर है। तो अभी ये बिल्कुल लॉक है, अंदर से आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल कपड़े का बना हुआ है, ऊपर से शेड है जिसके वजह से पानी नहीं आएगा। इसमें तो ताला लगा हुआ है, ये तो मुझे लगता है ये खुला है बिकॉज मुझे यहाँ थोड़ी सी दरार दिख रही है। वाओ, सॉरी। जैसे ही आप खोलेंगे इसको, खोलने के बाद ये है आपका कमरा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।
काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे रहने में। मतलब रहने के लिए आपको काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स और काफ़ी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस आपको मिल सकती है अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करें तो। वंस इन अ लाइफ टाइम है, बिल्कुल इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे रील्स बनाने के लिए, लेकिन इंस्टाग्राम वर्क नहीं करता बिकॉज़ यहाँ पे नेटवर्क के बहुत सारे इशूज़ है। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, ये टेंट की जो कैंप है उसके ऊपर से आती है, बहुत ही बेहतरीन। क्या सजावट है इसकी, ऐसा लगता है किसी मैरिज हॉल का मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर बनाया गया है यहाँ पे। नेत्रहाट के और भी वीडियोस अभी बनाऊंगा मैं, एक बार और भी अच्छे से यहाँ पे ट्रैवल करूँगा और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और नेत्रहाट से रिलेटेड कोई और भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।